लाइन ग्रुप ऑफ इंडिया द्वारा ट्रामा सेंटर की मांग को लेकर निकाली गई रैली। आपको बताते चले, धामपुर में ट्रामा सेंटर 200 बेड वाले हॉस्पिटल में स्थापित करने और तुरंत डॉक्टर की तैनाती करने को लेकर नगीना चौक से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। लाइन ग्रुप ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी ने बताया, यदि धामपुर क्षेत्र में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे बिजनौर, मेरठ या मुरादाबाद के लिए रेफर किया जाता है, जिसमें कई लोगों का रास्ते में सही समय पर उपचार न मिलने के कारण दम तोड़ने से मौत हो जाती है। इसलिए ट्रामा सेंटर पर डॉक्टर्स की तुरंत तैनाती की जाने को लेकर मांग की गई है। नवभारत समाचार धामपुर जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। अदा करना चाहती हूँ, आप सभी लोग यहाँ आए और मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से जो भी हमने ये समस्या उठाई है वो सरकार उस पर ज़रूर ध्यान देगी और हम हमारे शहर के लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं सरकार जल्द से जल्द मुहैया कराएगी। आज हमने अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जाने हेतु दिया है, जिसमें ग्राम मौजमपुर जयतरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया है उसमें चतुर्थ श्रेणी और चिकित्सकों का पैनल अभी तक नियुक्त नहीं किया गया। इसके अलावा नेशनल हाईवे 74 का भी निर्माण हमारे क्षेत्र में किया जा चुका है। नियमानुसार नेशनल हाईवे निर्माण होने से पूर्व ट्रामा सेंटर होना बहुत आवश्यक है और धामपुर में जैतरा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें तुरंत चिकित्सकों का पैनल नियुक्त किया जावे, साथ ही साथ नेशनल हाईवे पे एक ट्रामा सेंटर की स्थापना की जावे।